अभी हम हो गए हैं रेडी और जा रहे हैं बाहर कुछ सब्जी खरीदने। उसके बाद मैं साइकिल चलाने जाऊंगा जब बाएं आएंगे। हाँ ये खिड़की बंद कर देना। हाँ, आ रहे हैं 20-25 मिनट में आ जाएंगे। दो चार सब्जी जो बाहर से मिलेगा वही खरीद कर आ जाएगा। एक रुको, खुद हवा से हो रहा है कि तुम कर रहा है? चलो सब्जी खरीदने जाना भी मार्केट में बहुत बड़ा टास्क है, जो मुझे बहुत पसंद है चुन चुन के सब्जी खरीदना, लेकिन अभी बहुत बड़ा टास्क लगता है। जाने से पहले इतना सारा फॉर्मेट पेज करना रहता है, बहुत मुश्किल लगता है। और अभी तो खैर आदमी भी ऐसा हो गया है कि मास्क तो सब भूल ही गया है, बहुत लापरवाह भी हो गया है। और सब्जी मार्केट में मजबूरी हो जाना। बाहर बहुत अच्छा हवा चल रहा है, पेड़ पौधा बिल्डिंग इतना सुंदर सब लग रहा है ना कि कुछ कहा भी नहीं जाता है, जा सकता है। बाहर निकलने के बाद ना बहुत अच्छा आज़ादी सा महसूस होता है, लेकिन वही इस आज़ादी में खतरा बहुत ज़्यादा है और डर लगता है। किसी को छींक भी आ जाता है ना तो डर लगता है कि कहीं क्या थर्ड वेव फोर्थ वेव करके आगाह करता है। लेकिन यहाँ देखिए गोलगप्पे की दुकान पे बिना मास्क का लोग चाट खाने में जुटी है। प्लीज मुझे देखने दो अपना चैनल, प्लीज। ए बोलू प्लीज मुझे अपना चैनल देखने दो, चेंज नहीं करो प्लीज। अच्छा मत करो। ओ बोलू बार बार टीवी का चैनल क्या है। और अभी आए हैं सब्जी मार्केट से और ये सारी सब्जियां पत्ता भी लेके आए हैं। वो अरवी का पत्ता है, कैंता है और भिंडी है, अरवी है, आम है, दो अमरूद है। ये सारा चीज मार्केट जाने के नाम से बहुत टेंशन होता है, आने के बाद भी बहुत टेंशन होता है। इतना बार मैं हाथ धोई हूँ लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं क्या है, मैं बार बार हाथ धोते जा रही हूँ। मुझे मार्केट जाने के नाम से अभी खौफ आता है, बहुत डर लगता है। पिछली बार से इतना डर नहीं लग रहा था जब मैं दिसंबर से निकलना शुरू की थी तो, लेकिन अभी सही में बहुत डर लगता है मार्केट जाने के नाम से। और बार बार मैं चेंज करते रहती हूँ, मतलब हाथ धोई हूँ, पूरा कपड़ा चेंज कर ली हूँ, लेकिन फिर भी मुझे मतलब कि संतुष्टि नहीं हुई है। और अभी मैं करने वाली हूँ ये तीसरी बार अपना मोबाइल सैनिटाइज। ये तो खैर घर में रहता है मोबाइल तो इसलिए नहीं, जो लेके जाती हूँ वो वाला मोबाइल सैनिटाइज करना है मुझे तीसरी बार, क्योंकि पता नहीं क्या हो गया है, लगता है ना कि सब माइनिया सा हो गया है कि ये मतलब कहीं से भी आओ तो सैनिटाइज करते रहो। बहुत बड़ा डर मतलब कि बैठा दिया है ये, बहुत अच्छा फीलिंग नहीं आता है बाहर से आने के बाद। बाहर से आने के बाद लगता है कि अभी इतना दिन नहीं मैं बाहर जाऊंगी, लेकिन कुछ ना कुछ काम पड़ जाता है तो जाना ही पड़ता है। सब्जी तो बिग बास्केट में तो वही सेलेक्टेड सब्जी होता है जो कि आधा खराब रहता है और आधा सही रहता है, तो फिर लोकल मार्केट से अपना सब्जी अपने हिसाब से चुन चुन के लाइए तो ये हो जाता है। लेकिन वही है कि थोड़ा डर लगता है। अभी कार्तिक और कार्तिक अपने पापा के साथ गया है साइकिल चलाने नीचे, उसकी साइकिल जो है वो बन गई है, तो बहुत दिनों बाद वो गया है साइकिल चलाने। पंचर हो गया था तो ड्राइवर जो था वो पंचर में हवा भरवा दिया है, पता नहीं, वो हमारा मसला नहीं था, बस हमारा ये था कि कार्तिक का साइकिल बन जाए तो चलो बालकनी में चलते हैं। तो कार्तिक जो है वो थोड़ा सा साइकिल चला ले क्योंकि बच्चे तो अभी नीचे उतर नहीं रहे हैं। चलो आओ, चलो बालकनी में चलो, आओ इधर 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 इधर, लाइन है लाइन, क्या चाहिए? तो ये परेशान कर रहा है, चलो ना इधर, भैया दिख रहा है, देखो आओ लाइन लाइन। ये फैन चालू करवा के ही और टीवी चालू करवा के ही ये बालकनी में जाएगा ऐसा। तो चलो मैं तो चली, आओ भैया देखो यहाँ से दिख रहा है, आओ। तो
तो कार्तिक इसको मैं सोच रही थी शाम में अच्छी हवा चल रही है, सुबह में बहुत तेज बारिश हुई थी तो अभी अच्छी हवा चल रही है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा देर बालकनी में रहता बैठता वो थोड़ा बाहर का नज़ारा देखता तो अच्छा रहता, लेकिन ये बालकनी में आने का नाम ही नहीं ले रहा है। और आज बादल कितना क्लीन है, आसमान बहुत ज़्यादा क्लीन है, मैं आपको आसमान दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छा बहुत क्लीन है आसमान। टुकड़ा आसमान एक टुकड़ा आसमान क्या, चलो कहाँ चलो, रुको ये मुझे पीछे खींच के ले जा रहा है, चलो चलो कहाँ चलो बोलो आपको, देखिए ये चलो तलो 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 क्या हो रहा है, तलो कहाँ पेपर सारा फैला दिया है, बोलो अब यहाँ बैठ के ये मुझे न्यूज दिखा रहा है जो कि इसके पसंद का चल रहा है, मेरे पसंद का चल ही नहीं रहा है न्यूज, तो मैं क्या करूं, मैं तुम्हारे पसंद का न्यूज नहीं देखूंगी, तलो 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 ओ रुद्रु तलो 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 मैं तुम्हारे पास, अरे आ गए, अरे मेरा भोलू तुम आकर्ष, मैं आ गई हूँ और मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि लेट हो गई, शाम में मार्केट लगता है और कुछ कुछ बना ले रही हूँ क्योंकि सुबह में कहीं कुछ सब्जी बचा हुआ है तो कुछ और भी बना ले रही हूँ। और आज ना मार्केट में मैं जब भी जाती हूँ मुझे बहुत गुस्सा आता है, मतलब गुस्सा आज तो कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, जब इधर बता रहा है टीवी वाला न्यूज वाला गवर्नमेंट सबकी लगातार की थर्ड वेव आने वाला है, थर्ड वेव आने वाला है, ज़्यादा दूर नहीं है, फिर भी बिना मास्क के ही लोग देखे, मतलब मुझे पूरे मार्केट में अगर गिन लिया जाए तो मुश्किल से 10 से 12 लोग जो होंगे वो मास्क लगाए होंगे, इसके अलावा जो है कोई भी मास्क नहीं लगाए थे, तो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया, मतलब अच्छा नहीं लगता है, बहुत चिड़चिड़ाहट होती है ऐसे लोगों को देख करके कि लोग समझते क्यों नहीं है, मास्क क्यों नहीं लगाते हैं, कितने सारे लोगों का जान गया, कितने सारे लोग जॉब खोए, कितने सारे लोग जो है वो फाइनेंशियल परेशानी से जूझ रहे हैं और अभी भी लोग लापरवाह हैं, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। हम लोग को भी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल परेशानी हो रही है, एक्चुअली जो प्राइवेट टीचर होते हैं ना उन्हें सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, वो जो है बेचारे क्या करें, 2 साल हो गया, अब अगर थर्ड वेव आ जाएगा तो 3रा साल हो जाएगा, भुखमरी वाली हालत हो जाएगी प्राइवेट टीचर की। पहला साल तो आदमी कैसे भी निकाल लिया कि चलो पहला साल है मैनेज हो जाता है, लेकिन दूसरा साल भी वैसे ही गया, और अब जब लग रहा है कि खुलेगा अभी तक सब, लेकिन अभी तक खुला नहीं है, और तब तीसरा वेव डरा दे रहा है। और अब जो है वो WHO एक और अनाउंसमेंट किया है कि अब इससे भी ज़्यादा खतरनाक वेव आने वाला है, तो समझ में नहीं आ रहा है। और गवर्नमेंट जो है वो सबसे पहले क्या करती है, स्कूल कोचिंग बंद करो, स्कूल वाले को तो चलो ठीक है, लेकिन जो कोचिंग में पढ़ाता है जो प्राइवेट टीचर है उसको कितनी दिक्कत होती है ये कोई नहीं जानता है, जो टीचर है वो जानता है क्योंकि बच्चे है नहीं मार्केट में, ऑनलाइन कोई पढ़ना नहीं चाहता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो लोगों को चाहिए कि मास्क पहने और जान का माल का बहुत सारा परेशानी आता है, कोविड आता है तो सिर्फ बीमार लोग नहीं पड़ते, बीमार के अलावा भी जो साइड इफेक्ट होता है ना, जैसे फाइनेंशियल दिक्कत हो जाती है, बहुत सारा लोग का जॉब चला जाता है, बहुत सारे लोग जो है वो सही रास्ते को चुन करके लूट मार करने लगते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो नहीं होनी चाहिए, मतलब मास्क पहनो यार, क्या दिक्कत है मास्क पहनने में, कुछ परेशानी तो नहीं है, लगा लिया करो, लेकिन नहीं तो बहुत दिक्कत होती है। चलिए मैं भी क्या बोलने लगी, एक्चुअली आज बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था मुझे तो इसकी वजह से मैं बोल गई, अदरवाइज मैं मुझे नहीं पसंद है कि अपनी परेशानी सबके सामने लाने की और कोई किसी का हेल्प नहीं करता है, तो यहाँ पे मैं दाल तड़का जो है वो दाल तड़का मेरा लग चुका है, दाल में थोड़ी सी दाल बची हुई थी तो मैंने सोचा कि चलो तड़का लगा देती हूँ, तड़का लगाने के बाद दाल जो है वो थोड़ा सा और टेस्टी बन जाता है,
तो इसलिए मैं दाल को थोड़ा और टेस्टी बना दिया, अदरवाइज सारे लोग खाने में ना नुकुर करने लगते हैं। तो दाल तड़का हो गया है, चावल है, थोड़ी सी चावल है बस, थोड़ा सा ही था, तो वो चावल है, सब्जी है बची हुई। हमारा तो डिनर एकदम रेडी है, मस्त झक्कास वाला डिनर। बस रोटी सेकना है, तो मैं रोटी तो फटाफट सेक लेती हूँ, तो रोटी बस सेक लेती हूँ। और देखिए ये मेरी इतनी सी सब्जी बची हुई है, इसके बाद इसके साथ ही मैंने आलू केले की सब्जी, केले की सब्जी बनाई थी, तो ये है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि खाना नहीं बनाओ, ऐसा होता है जब मैं मार्केट से सब्जी लान जाती हूँ, उसके बाद फिर मैं आती हूँ तो मुझे एकदम नहीं खाना मतलब बनाना पसंद है। ये थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, क्या खाना बनाओ, खाना सिर्फ खाना खाओ तो ऐसा लगता है। तो यहाँ पे बस रोटी हमारा जल्दी जल्दी मैं सेक ले रही हूँ, खाना तो हमारा तैयार ही है, ज़्यादा कुछ करना नहीं था, बस रोटी ही सेकना था, सब्जी तैयार था। और सच्ची में बहुत गुस्सा आ जाता है, लोग क्यों नहीं मास्क पहनते हैं। इसलिए जो बोलता है एक्सपर्ट, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, सब बोल रहे हैं कि मास्क पहनिए मास्क पहनिए, फिर भी लोग जाते हैं, मतलब बिना मास्क के लोग रहते हैं, तो मुझे एकदम नहीं अच्छा लगता, बहुत गुस्सा आता है। क्योंकि ये जो बीमारी है एक आदमी से सब में फैला है, और फिर पता नहीं क्या मैं बोलूँ, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन फिलहाल तो मेरा डिनर तैयार है, छोड़िए कुछ और बातें कभी और होगी। तो फिलहाल हमारा डिनर तैयार है, और बहुत टेस्टी डिलीशियस सा डिनर तैयार है। एक्चुअली ये सब्जी मैं ही ले आती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है चुन चुन के अपने लिए सब्जी लाना, कोई खास खास वाली सब्जी, और हस्बैंड को तो जो सब्जी वाला दे दे, जो है सब तौल दो, ऐसे होता है। तो इसलिए मुझे पसंद नहीं है, मुझे पसंद है खुद की सब्जी लाए हुए। और ये देखिए हमारा एकदम यमी सा डिनर का जो थाली है ना, वो तैयार है, लग रहा है ना बहुत टेस्टी, और है, सच में है सारी चीज़। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक था, फिर मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, तब ना मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा।